गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के शेयर से रिलेटेड। यस बैंक की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में इससे रिलेटेड दोस्तों कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अगर अब हम देखें तो एक शॉर्ट सी न्यूज़ आ रही है, अच्छी न्यूज़ है यस बैंक के शेयर से रिलेटेड। और इसीलिए अगर हम देखें तो लास्ट सेशन में हमें इसमें ग्रोथ भी देखने को मिली। आज ही के दिन दोस्तों ये ग्रोथ हमें देखने मिली, लगभग 3.75% के आसपास ये ग्रोथ है। और इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है दोस्तों, उसे मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो दोस्तों आप अंत तक ज़रूर देखें, आपको यस बैंक से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है वो आपको बहुत ईजिली से समझ जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और साथ ही साथ ये वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। ये जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो यस बैंक के शेयर से रिलेटेड। दोस्तों, आज के दिन अगर हम देखें तो यस बैंक की जो करंट प्राइस चल रही है, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, लगभग 13 रुपीज़ के आसपास है, 13.85 रुपीज़ के आसपास। और आज के दिन हमें इसमें 0.50 पैसे की बढ़त देखने को मिली, 50 रुपीज़ के आसपास दोस्तों। और 3.75% की ये ग्रोथ हमें देखने मिल रही है आज के दिन। पिछले 5 दिनों का अगर हम डेटा देख लें यस बैंक का, तो ज़्यादा कुछ हमें देखने मिल नहीं रहा था। पिछले 1 मंथ का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो यस बैंक में हमें गिरावट ही देखने मिल रही थी, बट यहाँ पे आज इसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली 3.75% के आसपास। हालांकि ये ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर है यस बैंक के शेयर के लिए। अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिलीफ फॉर यस बैंक बैंक इन 81 बॉन्ड केस, सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल इम्पोसेस इंटीरियम स्टे ऑन सीबी पेनाल्टी ऑर्डर। दोस्तों, यस बैंक के ऊपर 81 बॉन्ड से रिलेटेड केस चालू था, और इसी वजह से हम देखें तो सीबी ने इस पर 25 करोड़ रुपीज़ का फ़ाइन भी लगाया था, जिस पे इन्हें 45 डेज के अंदर इसे भरना था। और इनके दोस्तों जो कुछ मेन अधिकारी थे, जो इनके मेन एम्प्लॉयज़ थे, इन पर भी फ़ाइन लगाया था। आप यहाँ पे इनके नाम देख सकते हैं, 1 करोड़ का फ़ाइन दोस्तों विवेक कन्वर पे लगाया गया था, 50 लाख रुपीज़ ईच का फ़ाइन आशीष नासा और जसजीत सिंह बांगा, ये दोनों पर अगर हम देखें तो 50-50 लाख रुपीज़ का फ़ाइन लगाया गया था। साथ ही साथ 25 करोड़ रुपीज़ का मॉनेटरी पेनल्टी लगाया गया है यस बैंक पे। ये 81 बॉन्ड से रिलेटेड केस है दोस्तों, और ये केस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 81 बॉन्ड से रिलेटेड जो केस है, इसमें यस बैंक पे आरोप लगा था कि ये बॉन्ड पे इन्होंने बहुत ही इलीगल तरीके से इसे बेचा है। अपने इन्वेस्टर्स को दोस्तों अगर हम देखें तो उन्हें पूरी जानकारी ना देते हुए, इसके जो रिस्क असेसमेंट थे उसे ना बताते हुए उन्हें बेचा है। मतलब दोस्तों अगर हम देखें तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को इन्होंने 81 बॉन्ड्स बेचे हैं, और उन्हीं का दोस्तों ऐसा कहना था कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई है रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड चाहे बात हो जाए। और इसीलिए हम देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केस भी चालू है इनके इन्वेस्टर्स द्वारा। मेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया बुल है दोस्तों एक इन्वेस्टर, और साथ ही साथ दूसरे इन्वेस्टर की बात कर लें तो 63 मून टेक्नोलॉजीज, ये सब दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट के ओर चले गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और इसी के साथ साथ इंडिया बुल्स, 63 मून्स टेक्नोलॉजी, ये सारे लोग दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट में यस बैंक से रिलेटेड केस किया था, जिस पे अभी भी केस चालू है। और इसी के बाद हम देखें तो सीबी ने यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी, और इसमें इन्होंने यस बैंक को दोषी पाया था, तो इसीलिए उन्होंने 25 करोड़ रुपीज़ का फ़ाइन लगाया था यस बैंक पे, जिसे यस बैंक को भरना था। बट यहाँ दोस्तों SAT ने फैसला ले लिया है, सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल ने, और इन्होंने इस फ़ाइन पर रोक लगा दी है 31 जुलाई 2021 के लिए। यानी कि अगर हम देखें तो अगले 2 महीनों के लिए यहाँ पे रोक लगा दिया गया है इस ऑर्डर पर। अब यस बैंक को दोस्तों अगले 2 महीनों तक ये फ़ाइन तो नहीं भरना पड़ेगा,
इससे रिलेटेड जो केस है वो 31 जून, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 31 जुलाई 2021 को डिस्कस किया जाएगा। और यही यस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, जिसके बाद आज के दिन हमें यस बैंक में अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली। बाकी अगर हम बात करें यस बैंक से रिलेटेड, तो दोस्तों हमने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको बताया है दोस्तों कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप यस बैंक को देखते हैं तो यहाँ पे आपको मे बी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को ना मिले, बट इन फ्यूचर के लिए ये काफ़ी अच्छा शेयर माना जा सकता है। रिसेंटली इसने अपने आप को जैसे सर्वाइव किया है, रिवाइव किया है दोस्तों, ये सबसे अच्छी बात हमें इसमें देखने मिली है। इनके मैनेजमेंट की जो कड़ी मेहनत है दोस्तों, वो सभी का नतीजा है कि आज यस बैंक में हमें ऐसी पॉजिटिव रिस्पांस देखने मिल रहा है। और इसी वजह से दोस्तों यस बैंक अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं और इस पे आप अपनी नज़र बनाते हैं, तो मे बी आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पे अपने रिवॉर्ड पा सकते हैं, अच्छा खासा इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको यस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए सलाह नहीं दे रहे हैं, बट या दोस्तों आप अपनी इस पे नज़र ज़रूर रख सकते हैं। एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र दोस्तों हम सीबी रजिस्टर्ड तो बिल्कुल नहीं है, तो आप हमारी बात बिल्कुल ना मानिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा काम है दोस्तों आपके सामने जो न्यूज़ है उसे अच्छे से रखना, साथ ही साथ अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमारे हिसाब से कैसा लगता है दोस्तों, यही हम आपसे शेयर करते हैं। और इसी के साथ हम आज का वीडियो ये समाप्त करना चाहेंगे, बट एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, तो यहाँ पे आप सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, डायरेक्ट किसी भी शेयर में ना इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। आप अपने विचार दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड, साथ ही साथ अगर हम देखें तो यस बैंक के फ्यूचर से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर रख सकते हैं, हमें काफ़ी हेल्प होगी इससे। और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।